नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये मनी हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिटी का तीसरा भाग है। अभी तीसरा भाग होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसको लेके मैं खुद से होमवर्क करता हूँ, क्योंकि कोई भी बात मैं आपको बताता हूँ वो पूरा उस बात का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वैसे ही नहीं कुछ बात बता दिया और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैं नहीं सोचता। खैर, वो वीडियो बना के लेने के बाद मुझे लगा कि कुछ एडिशन मुझे और वो करना चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मनी सेविंग के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें एक पॉइंट था कि डिफर द एक्सपेंसेस। तो अभी मुझे लगा कि डिफर द एक्सपेंसेस पॉइंट क्या था कि आपका जो खर्चा है अगर हो सके इसको डिले कीजिए, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, एक हफ्ता, एक महीने तक जितना हो सके उसको डिले कीजिए, उसको डिफर कीजिए। उसमें आप काफी सारा खर्चा बचा लेंगे, क्योंकि संसार में कभी ऐसा नहीं होगा कुछ जरूरत आन पड़ी और वो जरूरत आपने सॉल्व किया और वो जरूरत फिर खत्म हो गया। एक जरूरत खत्म करेंगे फिर से कुछ आ जाएगा, उसको खत्म करेंगे तो फिर से कुछ आ जाएगा। इसलिए अच्छा रहता है कि अगर वो चीज डिफर कर सकते हो तो डिफर कीजिए। तो अभी फिर मुझे लगा कि इसका कुछ गलत मतलब लोग निकाल सकते हैं कि जो अपने लायबिलिटीज है वो उसको डिफर कर सकते हैं। तो मेरे आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, लायबिलिटी को कभी डिफर मत कीजिए। अगर आपका कुछ क्रेडिट कार्ड बिल है, अगर आपका कुछ लोन ले रखा है, ये लायबिलिटी को आप एट द अर्लीस्ट आप क्लियर कीजिए। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। उसके लिए कभी अलग सा वीडियो बना दूंगा कि इसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो क्रेडिट कार्ड बिल का जो बिलिंग साइकिलिंग होता है वो 45 डेज का होता है, और मेरे लिए ये 30 डेज का होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चा करता हूँ पहले से ही मैं वही पैसा खर्चा करता हूँ जिसका पैसा ऑलरेडी मेरे हाथ में है, और क्रेडिट कार्ड से वो मैं स्पेंड करता हूँ, और महीने को 15-16 तारीख को मेरा बिल जनरेट होता है। अभी जब भी बिल जनरेट होता है वो स्टेटमेंट मेरे मेल में आ जाता है अगले 2-3 दिन के लिए, तो वो बिल का पेमेंट मुझे करना होता है अगले महीने फर्स्ट वीक को। तो मैं अगले महीने तक रुकता नहीं, अगर 15 तारीख को स्टेटमेंट वो बिल जनरेट हुआ और 18 तारीख तक मेरे पास स्टेटमेंट आ गया तो मैं वो पेमेंट कर देता हूँ। मैं वो लायबिलिटी मैं रोक के नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर आप लायबिलिटी को पहले उसको धो लेंगे, उससे छुटकारा पा जाएंगे, तब आप ठीक से आप अपना फाइनेंशियल मैनेज कर पाएंगे। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कुछ सैलरी कट तो पर आपके या कोई होममेड है, कोई बाई है जो काम करता है, तो उसका पैसा हमेशा आप कोशिश कीजिए 1 तारीख को देने के लिए। तो आप कहेंगे भाई साहब मेरे पास तो 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट नहीं होता है, तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि पिछले महीने का सेविंग वैसे कीजिए कि पहले तारीख को ही आप उसको पैसा दे पाए, क्योंकि जो बाई है वो 30 दिन तक आपके घर में काम करता है, तो उसका हक बनता है कि पहले तारीख को वो अपना बकाया जो उसका जो श्रम का जो पैसा है वो उसको मिलना चाहिए 1 तारीख को। बहुत घर में ऐसा होता है 3-4 तारीख तक वो चला जाता है, पर आप मुझे पूछिएगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं 90% पेमेंट्स जो मेरा लायबिलिटी है आश्रम के लिए या डोनेशन के लिए या कुछ के लिए, सब कुछ मैं 1 तारीख को ही करना, मैं मोस्टली वो कर देता हूँ। दूध वाले का पैसा, जो 2 दूध वाले हैं मेरे या 2 दूध वाले को मैं फर्स्ट डे को पेमेंट करता हूँ, मेरे भाई को मैं फर्स्ट डे को मैं मंथ का पेमेंट करता हूँ। मुझे मेरा जो कैश इनफ्लो मेरे फैमिली में आता है वो 1 तारीख को मिले या ना मिले, मैं 1 तारीख को बाकियों को मैं पेमेंट करता हूँ। तो ये मेरा हिसाब है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या है वो कुछ वो हो जाता है, कुछ उधारी में काम हो जाता है कि आप होलसेलर से कुछ माल उठाए उधार पे और आगे आपको वो बेचना है तो कुछ उधारी चला जाता है। तभी एक उधारी क्या होता है, एक उधारी होता है मजबूरी और एक उधारी होता है बदमाशी। तो अगर मजबूरी में बिजनेस में आप उधारी कर रहे हो, क्या किसी का पैसा आप ब्लॉक कर रहे हो, वो ठीक है, पर आपके पास पैसा है और अगर आप बदमाशी करते हो तो मेरे ओर से आप लोगों के ये रहेगा कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए।
जितना जल्दी होगा आप दूसरे का हक का पैसा आप उसको दे दीजिए, क्योंकि आप दूसरे का पैसा अटकाओगे आपका पैसा भी कभी किसी तरह वो अटक जाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वो इक्वल होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं देखिए अब मैं हम जो सप्लायर से डील करते हैं अगर उसका थोड़ा कुछ पैसा अगर हम ब्लॉक करके नहीं रखेंगे फिर वो इंटरेस्ट चला जाएगा। कुछ बदमाश होता है, आप कोई घर में आपका कोई मिस्त्री आता है, मिस्त्री को आप पूरा पेमेंट कर दो तो मिस्त्री आपको दिखाई नहीं देगा, पैसा लेके वो गुम हो जाएगा। तब वो रहता है कि नहीं मिस्त्री का थोड़ा पैसा आप अटका के रखो जब तक उसका पूरा काम खत्म नहीं होता है। तो ये अलग हिसाब है। तो ये पूरा चीज मैंने आपको बता दिया कि डिफर द एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस आप डिफर कीजिए पर लायबिलिटी को आप पहले क्लियर कीजिए। किसी का हक का अगर पैसा होता है एकदम जल्द से जल्द आप उसको क्लियर कीजिए। ये एक पॉइंट रहेगा जो मुझे ऐड करना था। और एक दूसरी बात, अभी एक क्या है, ये सोशल मीडिया एक कल्चर हो गया जहां पर हर कोई हर किसी को दिखाने में व्यस्त है। अभी हर कोई दिखाने में व्यस्त है तो उसके लिए क्या करता है, कोई अंधाधुन खर्चा भी कर देता है तो उसमें वो पैसा वो नहीं देखता है। अभी क्या है, आप मेरे बात, आप मैं हर कुछ मैं अपने हिसाब से मैं कहता हूँ। मुझे भी पहले मेरा शौक है कि मुझे एक रॉयल एनफील्ड बाइक मुझे लेना है। तो रॉयल एनफील्ड बाइक का जो स्टार्टिंग होता है वो 160 है। तब ये टू व्हीलर का जरूर रहते हैं, टू व्हीलर के लिए अभी हीरो का मेरा बाइक है तो मुझे रॉयल एनफील्ड का शौक चढ़ा। तो अगर कमर्शियली अगर इस बात को सोचे 160,000 का बाइक वो भी शहर में दौड़ता है और एक हीरो मोटर बाइक वो भी शहर में दौड़ता है, इसका कॉस्टिंग कम है इसका कॉस्टिंग ज्यादा है, और जिसमें आप पैसा डाल रहे हो वो विल बी डिप्रिशिएटेड। एक बाइक का वैल्यू वो डिप्रिशिएटेड होता है। 1,60,000 में आप खरीदोगे बेचोगे 1,10,000 1,20,000 जितना जाएगा उसका वैल्यू का कम मिलेगा, उसका वैल्यू का ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है। एक नॉर्मल बाइक का रिपेयर कॉस्ट कम है, एक रॉयल एनफील्ड बाइक का रिपेयर कॉस्ट हाई है। एक नॉर्मल बाइक का माइलेज ज्यादा है, रॉयल एनफील्ड का माइलेज कम है, तो उसमें पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है। तो ये पूरे चीज को अगर आप कंपेयर करते हो तो कमर्शियली एक रॉयल एनफील्ड लेना वायबल नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड क्यों है कि दूसरों को दिखाने के लिए भटभट 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 करते कैसा अपना वो सब माचो लुक में दिखा रहा हो। तो अगर आप ऐसे फिजूल की खर्चे करते हो लोगों के दिखाने के लिए और इतना बेवकूफ वाला काम करते हो तो यकीन मानिए लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसा दिन आ सकता है जब आपको पैसे का तंगी हो जाए और जो लोगों को दिखाने के लिए आप व्यस्त है वो कोई लोग आपके पास खड़ा नहीं होगा कि आपके पैसे के तंगी के दिन में आपके पास में खड़ा होके आपको कुछ पैसे का मदद कर दे। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो अभी क्या है, हमको अच्छा होटल में जाना है, अच्छा जगह में घूमना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, तो अच्छा अच्छा ब्रांड ब्रांड ब्रांड, अरे एक 300-400 रुपए का घड़ी भी जो टाइम दिखाता है, 2,000 का फास्टट्रैक घड़ी भी वही टाइम दिखाता है, अलग टाइम नहीं दिखाता है। तो 2,000 का फास्टट्रैक का घड़ी क्यों, क्योंकि वो ब्रांड है। तो ये सब चीजों से बचिए, क्योंकि आप लोग जो सब मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ आप लोग सब आध्यात्मिक चेतना का आदमी होंगे। तो आध्यात्मिक चेतना का आदमी में और साधारण संसार के गृहस्थ आदमी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस वो होना चाहिए। और ये डिफरेंस क्या क्या है ये मैं आपको गिनवा रहा हूँ, आप लोग सब सतर्क हो जाइए। जिंदगी का जरूरत एक चीज है और तृष्णा एक ख्वाहिश एक अलग बात है। एक ख्वाहिश आप करोगे और माने आप पुकुर काटोगे और उसके पे पानी भरोगे, ये चीज होगा वासना जो कहते हैं शास्त्र में, जो चीज कहे देखिए शास्त्र में गलत कुछ नहीं है, बस हर कुछ जिंदगी में सही है अगर आप सही से अगर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मन में एक विश क्रिएट कर लिए, अरे मुझे तो अभी लंदन जाना है, अभी लंदन जाने के लिए अभी कितना पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो वो पूरा इकट्ठा करने के लिए आप साल भर कितना मेहनत किए और जाके 10 दिन में वो पैसा उड़ा के आ गए वापस आ गए। अभी लंदन में आप वो सब इधर उधर फोटो फोटो खींच के लोगों को दिखा रहे हो और आप वापस आ गए, 1 साल का मेहनत 10 दिन में छू हो गया, क्या मिला? अभी किसी के लिए वो वैल्यू वो ऐड हो सकता है, पर मैं पर्सनली ये सब चीजों में मैं नहीं मानता हूँ। तो जो पॉइंट ये वीडियो में छोटा करके मुझे बताना था कि डिफर द एक्सपेंसेस उसको
आप ठीक से मैनेज कीजिए और लायबिलिटी को फर्स्ट क्लियर कीजिए, दूसरों का हक का पैसा पहले इसको दे दीजिए, और जिंदगी का जरूरत और ख्वाहिश ये चीज को आप अलग से पहचानिए, दूसरों को दिखाने के लिए फिजूल का खर्चा मत कीजिए, और जितना वो थोड़ा थोड़ा खर्चा आप बचाएंगे, जितना खर्चा बचाएंगे उतना वो पैसा बचेगा, और वो पैसा कमाने के लिए जो मेहनत आपने किए है वो बचेगा, अपने जीवन में आपको वक्त ज्यादा मिलेगा, फिर जो वक्त आप अपने साधना के लिए दे सकेंगे। तो ये करके ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, आगे भी कुछ चर्चा वो चलता रहेगा। आप लोग सब अच्छे रहिए, नमस्ते।